अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज वेज स्पेशल में मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मशरूम स्टफ विद पनीर। बहुत ही अच्छा सा स्टार्टर है, बहुत ही लाइटफुल सी रेसिपी है और सारे इंग्रेडिएंट जो है हमें अपने घर से ही मिल जाएंगे और बहुत सारा इसमें ऑप्शन, आप इसमें अपना वेरिएशन कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो मशरूम को सर्व करने के लिए हमने इसे बहुत अच्छी तरह से धो के इसका जो स्टेम था वो हमने निकाल लिया है, ताकि इसमें जगह क्रिएट हम कर सके, स्पेस, ताकि इसी में हम अपने जो स्टफिंग है वो हम भर सके। सो ये सारों को हमने ऐसी तरह से अच्छे से धो लिया है और जो इसका स्टेम था हमने उसे बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने एक बड़ा सा चम्मच बटर लिया है। ये देखिए, ये जो उसके मशरूम के जो स्टेम थे वो भी हम इसके वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसे भी हमने अच्छा सा बारीक सा चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में हमारा बटर जो है मेल्ट हो चुका है, तो इसमें मैं आधा छोटा चम्मच पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन अच्छे सा मेरा भून जाए, फिर उसी में हम सारे स्टफिंग्स की तैयारी कर लेंगे। अदरक लहसुन यहाँ पे अच्छे से भून रहा है, स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ पे मैंने आधा सा अनियन और टमाटो लिया है, बारीक चॉप कर लिया है, बस ये भी हम इसी में डालेंगे और इसे हम हल्का सा सॉटे करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक तले से हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमारे अनियन टमाटो अच्छे से कुक हो गए हैं, तो अभी इसी में हम यही पॉइंट पे हमारे पास जो ये मशरूम का जो स्टेम हमने जैसे बारीक चॉप कर लिया था वो भी हम इसी में डालेंगे और इसे भी लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत जल्दी एक भाप में ही गल जाता है, ये इस टाइम में इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वेजेस यहाँ पे अच्छे से कुक हो रहे हैं, जब तो हम मैं इसमें से मसाला हम क्या क्या पड़ेगा मैं इसे बताती हूँ। नमक लिया है मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 चम्मच मैंने लिया है किंग मसाला, जो किंग वेज जो मसाला होता है उसका पाउडर ले लिया है। रेड चिली ले लिया आधा चम्मच, क्वार्टर हमने ले लिया है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मैंने ले लिया है जीरा पाउडर। ये भी हम हमारे वेजीज में डालेंगे और मसालों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। ये मसाले में से भी बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन अनियन, बस हल्का सा डालना है, एक हैंडफुल सा, और इसे स्टीयर करेंगे। ये हमारी वेजीज हो गई रेडी। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर हम अपना पनीर मिक्स करेंगे थोड़ा सा और, बस। देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया है वेजेस ठंडा। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये हमारे वेजेस सारे हम डालेंगे हमारे पनीर में और इसी के साथ मैं डालूंगी 1 चम्मच ओरिगैनो भर के और अच्छे से हमें बस इसे मिक्स करना है। ये हमारे सारे वेजीज और पनीर के साथ में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, पनीर भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसी में हमारे वेजीज में। अब यहाँ पे हम डालेंगे मोजरेला चीज, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, प्रोसेस चीज़ या पिज़्ज़ा जो चीज़ के जो क्यूब्स आते हैं वो भी आप इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। बस अच्छे से इसे कर लेते हैं मिक्स और अब करेंगे हम इसकी स्टफिंग मशरूम में। यहाँ एक मशरूम, इसे हम अच्छे से स्टफ करेंगे दबा के, जितना इसमें आ रहा है उतना। देखिए, इसी तरह से हम अब सारे मशरूम को स्टफ कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने सारे स्टफ कर लिए हैं हमारे मशरूम, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अभी से। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में, आप चाहे कढ़ाई ले लीजिए चाहे फ्राई पैन ले लीजिए, मैंने 1 चम्मच बटर डाला है। बटर आप ऑप्शनल रखिए, अगर आपको बटर में बनाना है बटर में बनाइए, या तो फिर ऑयल डालिए। तो बस इसे हम अच्छे से प्लेस करेंगे
हर जगह, और इसे लगभग हम ढक के 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे मशरूम वेल कुक हो जाए, अपनी ही स्टीम में वो गल भी जाए और अच्छा सा कलर भी आ जाए इसमें। तो बस इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाते हैं। तो देखिए ये 5 मिनट में अच्छा खासा सा हमारा जो चीज़ अंदर की है जो वो मेल्ट हो चुकी थी, और हमारा जो मशरूम है वो भी अच्छा से गल गया है। मशरूम को ढक के जब हम पकाते हैं तो इस ये मशरूम जो अपना मॉइस्चराइजर छोड़ता है, मतलब पानी छोड़ा था इसने, तो मैंने इसे 2 मिनट तक तेज़ आंच पे इसे पकाया और पानी भी अच्छे से ये गल चुका है। तो हमारे अभी मशरूम हो गए हैं रेडी, सो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारे डिलीशियस से यमी स्टफ मशरूम विथ चीज़। सो देखिए इसके ऊपर मैंने टॉप किया है, गार्निश किया है अपने चीज़ से। अगर आप चाहें तो कोरिएंडर से कर सकते हैं या आप चिली फ्लेक्स से कर सकते हैं, चीज़ डालना वही ऑप्शनल है। और इसके ऊपर आप मैंने यहाँ थोड़े से ओरिगेनो फ्लेक्स डाल रही हूँ। सो ये बहुत ही यमी सा और डिलीशियस सा एक स्टार्टर बनके तैयार हुआ है। सो बस इसे हम ट्राई करते हैं। देखिए बहुत अच्छा वेल कुक हुआ है और हर तरीके से ये देखिए पक चुका है हर साइड से। सो हम इसे अभी बस ट्राई करेंगे। बहुत बहुत ही टेस्टी, यमी और बहुत ही बेहतरीन सा स्टार्टर बनकर तैयार हुआ। तो ज़रूर इसे बनाइए अपने डिनर में, लंच में, या अपने गेस्ट के आगे इसे सर्व कीजिए। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।